आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही, एक नॉर्मल एक कन्वर्सेशन वीडियो है। इसमें आप लोग का आज बताऊंगी मेरे क्लास में क्या हुआ, क्लास के छोटे मोटे किस्से बताऊंगी। तो आज छोटे या मोटे? हाँ मोटे, क्योंकि क्लास में कुछ मोटे भी है। तो हुआ ये, आज हमारा हिंदी पीरियड था, तो हम लोग का एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, बाजार दर्शन। तो उससे मैं हम लोग को स्टार्टिंग पढ़ा रही, तो मैम की आदत है जब भी पढ़ाती हैं तो वो हम लोग की पर्सनल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाती है हमेशा। आज हमने उन लोगों को एक एग्जांपल दिया कि मान लो हमारे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली घर में हम लोग करते क्या है कि स्टील के जो बर्तन होते हैं किचन के बाहर से खड़े होकर सिंक तक निशाना मारते हैं, अगर स्टील के बर्तन होंगे वो ठीक है। और अगर अगर वो बर्तन वही बर्तन अगर वो कांच के हुए, नॉर्मल हुए, या फिर बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेड क्रॉकरी हुई, और कोई घर में गेस्ट आया, तो फिर अगर उनकी कोई बच्चा होता है ना और वो क्रॉकरी इम्पोर्टेड यूज़ कर रहा होता है, फिर देखो उस बच्चे के पीछे पीछे हम लोग कैसे भागते हैं। तो ये अगर हम लोग के घर में कोई इम्पोर्टेड क्रॉकरी यूज़ होती है ना, कोई गेस्ट आता है और इम्पोर्टेड क्रॉकरी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी आता है गेस्ट वो यूज़ कर रहा होता है वो इम्पोर्टेड क्रॉकरी, फिर देखो हम लोग की क्या हालत ख़राब होती है। जैसे ही यूज़ ख़त्म होता है वैसे ही हम लोग जाके उसको मारने लगते हैं, ठीक करने लगते हैं, अरे भाई टूट ना जाए, वरना फिर उसका जो सेट होता है ना, सीक्वेंस होता है, वो ख़राब हो जाएगा। तो मैम ये हम लोग एग्जाम्पल दे रही थी, तो मतलब ये एग्जैक्टली ये सेम एग्जाम्पल है जो हम लोग घर में भी हम लोग करते हैं कि ऐसे स्टील के बर्तन की कोई कदर ही नहीं है, फिर इम्पोर्टेड क्रॉकरी की कदर देखो क्या ऊपर हो जाती है। घर में हम लोग स्टील के बर्तन ही यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेड क्रॉकरी तो यूज़ करते नहीं है, तब यूज़ करते हैं जब कोई गेस्ट वेस्ट आता है। तो मैम ने हम लोग को ये एग्जाम्पल समझाया। और अगर आपको ये बाजार दर्शन चैप्टर मैं कुछ दिन में पढ़ाऊँगी अपने स्टडी जोन चैनल पर, तो आप लोग देख लेना, जब पढ़ाऊँगी तो मैं लिंक डाल दूँगी नीचे।